Recording in progress.
हेलो हेलो एवरीवन, सॉरी स्टूडेंट्स फॉर लेट। तो मुझे लगता है लास्ट क्वेश्चन आप सभी को क्लियर हो गया होगा। एक बार जस्ट मैं इसका ओवरव्यू दे देता हूं। तो अब तक स्टूडेंट्स आपको एक बात क्लियर हो जानी चाहिए, अब तक आपको ये स्टेटमेंट क्लियर होना चाहिए। मैं चार पार्ट में लिख रहा हूं, आप समझेंगे। बोर्ड मेरे पास स्पेस कम है। पहला पार्ट, अगर किसी साइनोसोइडल वेवफॉर्म पर मेजरमेंट करना है, राइट, तो आप अगर इसे FWR से पास करेंगे, फुल वेव रेक्टिफायर से, तो ये वेवफॉर्म कैसी आएगी? इट लुक्स लाइक फुल वेव रेक्टिफाइड आउटपुट, राइट। तो जब भी आपको इस वेवफॉर्म का मेजरमेंट करना है, एसी पर ऑलवेज एसी मीटर्स क्या मेजर करने चाहते हैं? आरएमएस। सो दिस इज वीआरएमएस, ठीक है। और इसका वीआरएमएस होता कितना है? वीआरएमएस ट्रू, दैट वीआरएमएस ट्रू इज नथिंग बट बेसिक साइनोसोडल का वीआरएमएस की अगर मैं बात करूं तो ये वीएम बाई रूट टू होता है, ये आना चाहिए। इसके लिए आप जब इस पर लाइन खींचेंगे, ये पीएमएमसी मेजर कर रहा है, तो पीएमएमसी क्या मेजर करेगा? एवरेज। तो पीएमएमसी इस पर एवरेज वैल्यू मेजर करेगा, दैट इज वी एवरेज। तो वी एवरेज कितना आ जाएगा? 2 Vm/π। अब बताओ 2 Vm/π में ऐसा क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि Vm/√2 आ जाए? तो इसका करेक्शन फैक्टर ट्रू, जो करेक्शन फैक्टर ट्रू है वो क्या होना चाहिए? इसमें पाई बाई टू रूट टू का गुणा, और पाई बाई टू रूट टू का मतलब क्या होता है? 1.11, राइट। ऐसा होना चाहिए। इतनी बात मेरी कम से कम आपको क्लियर हो रही होगी। इसके बाद मैंने सेकंड वेवफॉर्म आपको बताई, बहुत जल्दबाजी में देखेंगे, बहुत फास्ट। सेकंड वेवफॉर्म मैंने बताई कि अगर कोई एक स्क्वायर वेवफॉर्म होता, मान लो आपने एक सिमेट्रिकल स्क्वायर वेवफॉर्म भेजा, ठीक है, लुक लाइक दिस, और इस सिमेट्रिकल स्क्वायर वेव फॉर्म को जब आपने पास किया, तो एक फुल वेव रेक्टिफायर से जब ये पास होगा तो ये क्या दिखाएगा स्टूडेंट्स? दिस शोज ओनली कांस्टेंट 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 वैल्यू, नेगेटिव वाली ऊपर आती जाएगी, राइट। तो यहां पर ये मैक्सिमम वैल्यू वीएम है। अगर मैं आरएमएस की बात करूं तो इसकी आरएमएस क्या होती है? स्क्वायर की आरएमएस सेम कॉन्स्टेंट दिस वैल्यू, वी आरएमएस ट्रू, VRMS true कितना आएगा इस बार? VRMS true किसी square का amplitude होता है, that is VM। और अब यहां PMMC क्या measurement करेगा? ये value VM है, तो PMMC इसकी average value measure करेगा। तो average value किसी DC की average value, ध्यान से समझना, यहां PMMC measurement कर रहा है इस graph का, तो PMMC measurement करेगा V average, और V average या VDC मतलब VM। अब आखिर VM में किस फैक्टर का मल्टीप्लाई करें कि VM आ जाए? इसका मतलब इसका ट्रू करेक्शन फैक्टर, इसका करेक्शन फैक्टर ट्रू कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। जब आप इसमें 1 का गुणा करेंगे तभी तो VM सेम आएगा। इसके बाद मैंने आपको थर्ड वेवफॉर्म बताई थी, शायद वॉइस का कुछ इशू था। थर्ड वेव फॉर्म जो मैंने आपको बताई थी वो ये थी स्टूडेंट्स, इट लुक्स लाइक ट्रायंगुलर वेव फॉर्म, और इसको जब आप FWR से पास करते हैं, FWR से पास होने के बाद पॉजिटिव साइकिल सेम आएगी, निगेटिव इसका उल्टा आएगी, लाइक दिस, राइट। तो अब आप एक्चुअलिटी में अगर इसके आरएमएस की बात करें, इस साइड आरएमएस, इस वेवफॉर्म को जब भेजोगे तो आप इसका क्या मेजर करोगे? आरएमएस। दिस इज वी आरएमएस। इसका मतलब
वी आर एम एस ट्रू का मान, देखो वी आर एम एस ट्रू के मान की बात करें तो इसका ट्रू मान होता है वीएम बाई रूट थ्री, राइट। और जो पीएमएमसी पर जा रहा है वो ये वेव फॉर्म है जो फुल वेव रेक्टिफायर के बाद बनी है। आप इसका क्या मेजर करते हो? एवरेज। इसका क्या मेजर करते हो? एवरेज। तो वी एवरेज, इसी को वी डी सी कहते हैं, ये आएगा वीएम बाई टू, राइट। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, नहीं तो मैं ड्राइव करके भी बता सकता हूँ। अब इसके बाद क्योंकि तो नेटवर्क पढ़ चुके हो तो होप सो क्लियर है सबको। अब इसमें कितने का मल्टीप्लाई करें कि सेम वैल्यू आ जाए? तो देखो अगर वीएम बाई टू में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि वीएम बाई रूट थ्री आ जाए, तो इसका मतलब आपको टू बाई रूट थ्री से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और ये वैल्यू करेक्शन फैक्टर ट्रू है, दैट इज 1.154। इसी तरह एक फोर्थ वेवफॉर्म मैंने ली थी, जिस फोर्थ वेवफॉर्म पर मैंने आपको बताया कि अगर वेवफॉर्म सार्टूथ भी होती तो सार्टूथ वेवफॉर्म लुक्स लाइक दिस, राइट। और जब मैं इसको एफ डब्ल्यू आर से पास कराऊंगा तो सार्टूथ वेवफॉर्म फुल वेव रेक्टिफायर से जब पास होगी तो इसका आउटपुट वेवफॉर्म ऐसा बनना चाहिए। देखो पॉजिटिव एज इट इज और फिर निगेटिव का उल्टा, तो ये वाली लाइन कट जाएगी और ये कुछ ट्रायंगुलर जैसा हो जाएगा, फिर इसके बाद दिस, फिर दिस, ऐसा आएगा। अगर ये ऐसा आएगा तो देखो सबसे पहले सार्टूथ की आर एम एस पता करते हैं, तो सार्टूथ वेवफॉर्म की आर एम एस लाइन की इक्वेशन से पता करेंगे, दिस इज वी आर एम एस। तो अगर मैं वी आर एम एस पता करूं, वी आर एम एस ट्रू पता कर रहे हैं, वी आर एम एस ट्रू का मतलब वी एम बाई रूट थ्री आता है इसका मान। और ये वाली वेवफॉर्म फुल वेव रेक्टिफायर के बाद वाली वेवफॉर्म का हमेशा एवरेज पता करते हैं क्योंकि यहां पीएमएमसी लगा है, तो पीएमएमसी मेजर करेगा वी एवरेज, और वी एवरेज का मान यहां आता है वीएम बाई टू। आखिर वीएम बाई टू में किस फैक्टर का गुणा करें कि सेम वीएम बाई रूट थ्री आ जाए? तो इसी को कहते हैं करेक्शन फैक्टर ट्रू। दैट करेक्शन फैक्टर ट्रू इज नथिंग बट क्या बोल सकते हैं हम लोग, टू बाई रूट थ्री, और इसी को बोलते हैं 1.154। अगर टू बाई रूट थ्री का गुणा कर देंगे तो सेम ट्रू वैल्यू आ जाएगा, राइट। अब समझो जब भी कोई इंस्ट्रूमेंट डिजाइन होता है तो अगर इंस्ट्रूमेंट बेसिक साइनोसोडल के लिए डिजाइन हो रहा है तब उसमें करेक्शन फैक्टर कितना होना चाहिए? 1.11। अगर वो स्क्वायर के लिए डिजाइन हो रहा है तो करेक्शन फैक्टर होना कितना चाहिए था? 1। कितना होना चाहिए? 1। और अगर किसी ट्रेंगुलर के लिए डिजाइन हो रहा है तो कितना होना चाहिए करेक्शन फैक्टर? 1.154। और अगर किसी साटूथ के लिए हो रहा है तो भी कितना होना चाहिए? 1.154। इतनी बात पहले दिमाग में आ रही है क्या? डिजाइनर चार तरह की वेवफॉर्म पर चार तरह के करेक्शन फैक्टर को ले सकता है, राइट। ऐसा लेना ही चाहिए। लेकिन अब अगर हम अपने लास्ट क्वेश्चन पर चलें, मुझे लगता है इतनी बात बहुत एलिमेंट्री है और सभी को यहां तक मेरी बात क्लियर हो रही होगी। और अगर मैं स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन की बात करूं तो लास्ट क्वेश्चन की लैंग्वेज, एक मिनट, पहले यहां तक क्लियर है क्या सबको? एक बार चैट में लिखो यहां तक अगर क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूं। चैट पर आप लोग किस पर रिप्लाई कर रहे हो? आप लोगों को रिप्लाई करना है, एक मिनट, आप लोगों को रिप्लाई हिमांशु सर पर करना है। अभी गेटफ्लिक्स पर कर रहे हो क्या? ओके, एक मिनट, लॉगिन गलत हो गया। चलो कोई नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, आप गेटफ्लिक्स पे कर लो, कोई इशू नहीं। क्लियर है सबको? अब स्टूडेंट समझना, लास्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था, राइट। लास्ट क्वेश्चन इज वेरी ट्रिकी क्वेश्चन और मैंने स्टार्टिंग पर ही इस क्वेश्चन को ले लिया है, हालांकि इसको कुछ देर बाद कराना चाहिए था। मेरे पास जो डिवाइस हाथ में है स्टूडेंट्स वो हिमांशु सर वाली है, अगर आप उस पर रिप्लाई करेंगे तो थोड़ा बेटर रहेगा मेरे लिए। चलो बाकी जिस पर भी रिप्लाई करना चाहो आप, ओके। अब जरा लास्ट क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना, लास्ट क्वेश्चन पर एग्जामिनर क्या बोल रहा है। उसने बोला ऐसा होना चाहिए था, ये चार वेवफॉर्म होनी चाहिए थी और इन चार के ये स्टैंडर्ड रिजल्ट होने चाहिए थे। लेकिन एग्जामिनर ने क्या बोला आपसे, एक सिमेट्रिकल स्क्वायर वेवफॉर्म है जिसका पीक एम्पलीट्यूड 100 वोल्ट है और इसको एक पीएमएमसी रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट से आप पास कर रहे हो,
जिस पर आफ्टर पासिंग क्या वैल्यू आएगी, और स्केल का जो कैलिब्रेशन है वो साइनोसोडल के टर्म्स पर कर रहे हो। किसके टर्म्स पर? साइनोसोडल, जबकि करना किसके टर्म्स पर चाहिए था? अगर स्क्वायर लिया है तो स्क्वायर के टर्म्स पर करेक्शन फैक्टर लाना चाहिए था, लेकिन आप किसके टर्म्स पर कर रहे हैं? साइनोसोडल, तो रीडिंग गलत आ जाएगी, रीडिंग गलत आ जाएगी। इसी को कहते हैं गलत रीडिंग, मेजर्ड वैल्यू। और ट्रू वैल्यू के लिए हमें वन करेक्शन फैक्टर बनाना चाहिए था। ठीक है, एक बार प्रॉपर वे में पहले इसकी लैंग्वेज समझ लें और फिर मैं आपको प्रॉपर वे में इसका आंसर लिखवाता हूं। थोड़ा दो मिनट दें स्टूडेंट्स, क्योंकि पहला क्वेश्चन है और थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। क्या गलती होती है वो थोड़ा समझ लें आप। चलिए अब देखो, एक बार क्वेश्चन की लैंग्वेज प्लीज देख लें। क्वेश्चन था, और स्टूडेंट ये सेल्फ समझ में नहीं आएगा ये टॉपिक, बी क्लियर, ये टॉपिक आप सेल्फ नहीं समझ पाएंगे। कि अगर आपको लगता है कि आप खुद से पढ़कर समझ लेंगे, नहीं, राइट। अगर लैब में एक्सपेरिमेंट किया है देन ओनली यू कैन गेट, अदरवाइज पता ही नहीं चलता कि सर क्या निकालना है। क्वेश्चन पर वर्डिंग ये थी, ए सिमेट्रिकल स्क्वायर एसी वोल्टेज, सिमेट्रिकल स्क्वायर एसी वोल्टेज, सिमेट्रिकल स्क्वायर एसी वोल्टेज हैविंग ए पीक एम्पलीट्यूड ऑफ, हैविंग ए पीक एम्पलीट्यूड ऑफ 100 वोल्ट। ये वही क्वेश्चन है, आप लोगों को लिखना नहीं है, आप लिख चुके हैं। इज मेजर्ड बाई एन एवरेज रिस्पॉन्डिंग, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, अभी पूरा नहीं करवाया था ये क्वेश्चन क्योंकि आप लोगों को बीच में डाउट आ सकते थे। इज मेजर्ड बाई एन एवरेज रिस्पॉन्डिंग, इज मेजर्ड बाई एन एवरेज रिस्पॉन्डिंग, एवरेज रिस्पॉन्डिंग वोल्ट मीटर, और फिर लिखा था विच हैज या हुज स्केल इज कैलिब्रेटेड, हुज या विच स्केल, हुज स्केल इज कैलिब्रेटेड इन, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन लिख रहा हूं, हुज स्केल इज कैलिब्रेटेड टू रीड, कैलिब्रेटेड टू रीड, सॉरी कैलिब्रेटेड टू रीड RMS of sinusoidal waveform, RMS of sinusoidal waveform, sinusoidal waveform. Full stop. What is the reading of the voltmeter? What is the reading of the voltmeter? What is the reading of the voltmeter? And amount of error in that reading is, and amount of error in that reading is, ये question था, मैंने फिर से as it is लिख दिया है, ठीक है, इसके बारे में आपसे पूछा गया था। तो students बहुत carefully observation करना, सिंपल बिट में एक एक करके जरा मेरी बात को समझना, एलोकेट करना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। आप थोड़ा सा 5 मिनट का टाइम देंगे तो चीजें ज्यादा बेटर वे में क्लियर होंगी। एक सिमेट्रिकल स्क्वायर एसी वोल्टेज है, तो सबसे पहले ध्यान देंगे, एक सिमेट्रिकल स्क्वायर एसी वोल्टेज है स्टूडेंट्स, थोड़ा ये और छोटा बना लेता हूं मैं, एक सिमेट्रिकल स्क्वायर एसी वोल्टेज है This one, एक symmetrical square AC voltage है जिसका peak amplitude कितना है 100 volt, ठीक है, ये कोई symmetrical square waveform है, ऐसे चल रही होगी। और इस symmetrical square AC voltage having a peak amplitude of 100 volt, यहां तक कोई issue नहीं है। फिर is measured by an average responding voltmeter, एक
ऐसे उपकरण से मेजरमेंट हो रहा है जो क्या रिस्पॉन्ड करता है, एवरेज. दिस इज एवरेज रिस्पॉन्डिंग वोल्टमीटर. एवरेज रिस्पॉन्डिंग का मतलब पीएमएमसी, एवरेज रिस्पॉन्डिंग का मतलब पीएमएमसी है. तो अंदर जो मीटर लगा है वो पीएमएमसी लगा है. और इसकी स्केल, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन स्टूडेंट्स, जिसकी स्केल को कैलिब्रेट कराया जा रहा है, बहुत ध्यान से सुनो, टू रीड. हाँ, अब ये लाइन इस पूरे क्वेश्चन का क्रिस्प है. टू रीड आरएमएस ऑफ साइनोसोडल वेवफॉर्म. मतलब ये जो वेवफॉर्म है ये भेजी गई किसमें, पहले रेक्टिफायर सर्किट पर भेजी गई होगी. आपको पता है अगर किसी सिमेट्रिकल स्क्वायर एसी वेवफॉर्म का मेजरमेंट करना है, राइट, तो पीएमएमसी रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होगी. और ध्यान देना, क्यों हम इसको पीएमएमसी रेक्टिफायर समझ रहे हैं, क्योंकि इसने लैंग्वेज में बोला मेजर्ड बाय एन एवरेज रिस्पॉन्डिंग. तो एवरेज क्या रिस्पॉन्ड करता है, पीएमएमसी. और फिर बोला जिसकी स्केल कैलिब्रेट हो रही है आरएमएस ऑफ साइनोसोडल वेवफॉर्म. स्केल कैलिब्रेशन वर्ड किस उपकरण के लिए यूज होता है, पीएमएमसी रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट. रेक्टिफायर के बारे में कुछ नहीं बोला, तो बाय डिफॉल्ट फुल वेव रेक्टिफायर. तो फुल वेव रेक्टिफायर से ये वेवफॉर्म पास होगी. और ये वेवफॉर्म क्या बनेगी स्टूडेंट्स, ये वेवफॉर्म आउटपुट पर ऐसे आएगी. अगर हम आउटपुट को चेक करें तो एक कांस्टेंट लाइन, और इसको हम बोल सकते हैं इसका एम्पलीट्यूड भी कितना है, 100, राइट. अब एक बात बताओ, जो पीएमएमसी पर आएगा वो ये है, तो पीएमएमसी इसकी क्या बताएगी, एवरेज. क्या बताएगा, एवरेज. तो वी एवरेज, इसी को कहते हैं डीसी. तो डीसी वेवफॉर्म, एक कांस्टेंट लाइन का एवरेज क्या होता है, कांस्टेंट लाइन का एवरेज और आरएमएस सेम होता है. तो कितना आएगा, 100 वोल्ट, नॉट एन इश्यू. कितना आएगा, 100 वोल्ट. और अगर मैं इस वेवफॉर्म की आरएमएस की बात करूं, तो ये आरएमएस हमें वैसे ही पता होता है, इसका वीआरएमएस ट्रू. एक्चुअल में इसका जो वीआरएमएस ट्रू है वो वीआरएमएस ट्रू कितना होगा, होना चाहिए एक स्क्वायर वेवफॉर्म का ट्रू 100 आना चाहिए, राइट. लेकिन गलती कहां हुई है समझना, एग्जामिनर ने बोला इस उपकरण की जो स्केल है, बहुत ध्यान से सुनो, इसको कैलिब्रेट कराया जा रहा है किसके हिसाब से, रीड आरएमएस ऑफ साइनोसोडल वेवफॉर्म. मतलब जो उपकरण लिया है, जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लिया है, गलती से साइनोसोडल वाला ले लिया है, और उसका करेक्शन फैक्टर कितना होता है, 1.11, जबकि भेज क्या दिया है उसमें, स्क्वायर. एक उपकरण लिया है साइनोसोडल वाला और भेज क्या दिया है, स्क्वायर. तो क्या आंसर सही आना चाहिए, आंसर गलत आएगा. लेकिन जो गलत आंसर आएगा, उस गलत आंसर के बारे में ही हमसे बात की गई है. तो इस पर ये जो वी एवरेज आ रहा है, इस वी एवरेज पर क्या गुणा करना होगा हमें, इस वी एवरेज पर करेक्शन फैक्टर का गुणा करना होगा. लेकिन याद रखें, ये करेक्शन फैक्टर किसका है, साइनोसोडल वेवफॉर्म का. तो साइनोसोडल वेवफॉर्म का करेक्शन फैक्टर क्या होता है, 1.11. दिस इज करेक्शन फैक्टर फॉर साइनोसोडल वेवफॉर्म. करेक्शन फैक्टर किसका लेना है, साइनोसोडल वेवफॉर्म का. तो सीएफ फॉर साइनोसोडल वेवफॉर्म कितना होता है, 1.11. तो अब जो आप आंसर निकाल रहे हो वो आएगा वीआरएमएस मेजर्ड. ध्यान देना, क्या आएगा, वीआरएमएस मेजर्ड आएगा, क्योंकि जो माप रहे हो गलत माप रहे हो, तो इसे मेजर्ड वैल्यू कहेंगे. आना कितना चाहिए था, 100, लेकिन आ कितना रहा है. देखो, वीआरएमएस मेजर्ड को ही कहते हैं वीआरएमएस इंडिकेटिंग, जो इंस्ट्रूमेंट पर दिखाई देगा. इंस्ट्रूमेंट पर गलत क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि गलती से आपने साइनोसोडल वेवफॉर्म वाला इंस्ट्रूमेंट ले लिया है और भेज क्या दिया है, स्क्वायर, राइट. इसलिए रीडिंग गलत आएगी. अब वीआरएमएस मेजर्ड या वीआरएमएस इंडिकेटिंग का मान क्या होगा, करेक्शन फैक्टर जो क्वेश्चन में दिया है इनटू वी एवरेज. बताओ क्वेश्चन के हिसाब से करेक्शन फैक्टर कौन सा. अरे ये समझ रहे हो, वीआरएमएस मेजर्ड और वीआरएमएस इंडिकेटिंग एक ही बात है. करेक्शन फैक्टर क्वेश्चन में दिया था 1.11,
और एवरेज वैल्यू कितनी थी 100, तो 100 गुणे 1.11 का मतलब 111 वोल्ट। तो क्या ये पाठ्यांक सही है? नो, दिस रीडिंग इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग वैल्यू। क्यों क्यों ये गलत है? क्योंकि स्टूडेंट्स आपने कौन सा इंस्ट्रूमेंट के लिए बना दिया इसको? साइनोसोडल के लिए। लेकिन इस समय जो पूछा गया है वो तो यही पूछा गया है, तो हम कह सकते हैं दिस इज नथिंग बट VRMS मेजर्ड वैल्यू, VRMS मेजर्ड। तो VRMS मेजर्ड कितना आ गया? 111। जबकि VRMS ट्रू आना कितना चाहिए था? 100। तो ये कब आता जरा समझो, ये तब आता, समझना स्टूडेंट्स, ये तब आता जब आपने स्क्वायर वेव फॉर्म भेजी। देखो स्क्वायर भेजा, फुल वेव से पास कराया और वेव फॉर्म कैसी आ जाएगी? डीसी। इसका एम्पलीट्यूड कितना था? इसका एम्पलीट्यूड था 100 और यहां भी एम्पलीट्यूड कितना है? 100। अब जरा समझना, वी आर एम एस ट्रू की बात करें तो इसका वी आर एम एस आना कितना चाहिए था? 100, राइट। और जो इस तरफ है वो पीएमएमसी से पास होगा, उसे कहेंगे वी एवरेज। बताओ वी एवरेज आएगा कितना? डीसी का एवरेज 100 ही रहेगा। अब 100 में कितने का गुणा करें कि सेम बन जाए? तो इसका मतलब एक्चुअल करेक्शन फैक्टर ट्रू वैल्यू का क्या होना चाहिए था? वो होना चाहिए था 1। 100 में कितने का गुणा करें कि 100 आ जाए? दैट इज 1। तो अगर आपसे पूछा जाता वी आर एम एस ट्रू बताओ, तो आपका आंसर होता वी आर एम एस ट्रू बराबर दैट इज करेक्शन फैक्टर इंटू वी एवरेज। ये लिखने की जरूरत नहीं है, वी आर एम एस ट्रू हमें वैसे ही पता है वेवफॉर्म का। बट मान लो तो करेक्शन फैक्टर कौन सा लेते हैं? ट्रू का, और ट्रू का करेक्शन फैक्टर 1 और वी एवरेज कितना है? 100। 1 × 100 बराबर 100। तो आना चाहिए था वी आर एम एस ट्रू कितना आना चाहिए था? आना चाहिए था 100 वोल्ट, और गलती से आ कितना गया? 111। क्यों 111 आया? क्योंकि आपने इंस्ट्रूमेंट कौन सा लिया है? साइनोसोडल का, और लेना किसका चाहिए था? स्क्वायर वाला। तो इसलिए स्टूडेंट स्क्वायर में आंसर 100 आएगा, राइट। अगर आपने स्क्वायर वाले के लिए करेक्शन फैक्टर बनाया होता, स्केल को कैलिब्रेट कराया होता, किसके रिस्पेक्ट में? स्केल को कैलिब्रेट कराया होता अगर आपने स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, जबकि स्केल कैलिब्रेशन किसके रिस्पेक्ट में किया गया? साइनोसोडल। तो इसलिए आंसर रॉन्ग आया। अब उसने पूछा व्हाट इज द रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर, तो एक्चुअल में रीडिंग क्या आ गई अपनी? 111, जो कि गलत है, दैट इज नो प्रॉब्लम। फिर उसने पूछा द अमाउंट ऑफ एरर इन दैट रीडिंग। देखो उसने बोला कि एरर कितनी आ रही है इस पाठ्यांक में, क्योंकि वो जानता है स्टूडेंट्स भेजा स्क्वायर है और निकाल किसके लिए दिया आंसर? साइनोसोडल के लिए, तो गलत तो आएगा। तो वो पूछ रहा है कि एरर कितनी होगी। कैन आई ऑल्सो कैलकुलेट एरर? एक बार जल्दी से मुझे बताओ, क्या मेरी थोड़ी बात अब आपके दिमाग में आ रही है? यहां तक मेरी बात आप सभी को क्लियर हो रही है क्या? स्क्रीन इज लिटिल बिट ब्लर, ओके। मुझे लगता है थोड़ा स्टूडेंट्स क्लियरिटी है, आई होप सो। ऐसा कोई इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं स्टूडेंट्स आपसे एरर की बात करूं, हालांकि एरर एनालिसिस अभी हमने पढ़ा नहीं है, बट इंस्ट्रूमेंट में इतनी बेसिक बात हम सब जानते हैं कि अगर आपसे एरर पूछी जाए तो अमाउंट ऑफ एरर को निकालना बहुत सिंपल होता है, ठीक है। और 1, 2, 4, 5 क्वेश्चन करने के बाद आप बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस लेवल मैनेज करोगे यहाँ पर, राइट। थोड़ा सा 2, 3, 4 क्वेश्चन होने दो, ऑटोमेटिक स्टूडेंट्स आपका कॉन्फिडेंस लेवल पीक पर आ जाएगा, ठीक है। डोंट वरी अबाउट दिस कि सर हम नहीं समझ पाएंगे, बहुत सिंपल बातें, बस यही बात है कि इंस्ट्रूमेंट कभी यूज नहीं किया तो पता नहीं होता स्टूडेंट्स। और अगर लैब में आपने रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट यूज किया है तो बाखूबी आप जानते हो रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट का करेक्शन फैक्टर 1.11 होता है, क्योंकि कॉलेज लाइफ में हमें सप्लाई के लिए मेजरमेंट करना होता है और सप्लाई वोल्टेज कैसा होता है? साइनोसोडल। सप्लाई वोल्टेज कैसा होता है? साइनोसोडल। जब आप जनरेशन पढ़ते हैं पावर सिस्टम में, तो स्टूडेंट सबसे पहले
जब हम जनरेशन में प्लांट्स की स्टडी करते हैं, मैं हाइड्रो की बात करूं, टाइडल की बात मतलब मैं बात करूं आपसे कोल की, न्यूक्लियर की, कोई भी प्लांट आप पढ़ें, हर प्लांट में यही बेसिक आपको बताया जाता है, जनरेटर, राइट। तो वहां पर सिंक्रोनस अल्टरनेटर, ये जो हम लोग टर्म पढ़ते हैं वहां देखते हैं जनरेशन मीन्स एसी, क्योंकि हमें लॉन्ग ड्यूरेशन पर इसको भेजना होता है, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पर अगर हमें भेजना होता है तो किस तरह की वेवफॉर्म लेना बेस्ट होता है जनरेशन पर, दैट इज साइनोसोडल। साइनोसोडल के नंबर ऑफ एडवांटेजेस हैं। एरर आपसे कभी भी इंस्ट्रूमेंट में पूछी जाए, हालांकि एरर चैप्टर में आगे पढ़ाऊंगा, दैट इज नथिंग बट वी आर एम एस जो निकाल रहे हैं उसकी मेजर्ड वैल्यू माइनस वी आर एम एस जो निकाल रहे हैं उसकी ट्रू वैल्यू, इसे एरर कहते हैं। और अगर परसेंटेज एरर की बात की जाए तो परसेंटेज एरर का मतलब वी आर एम एस मेजर्ड माइनस वी आर एम एस ट्रू अपॉन वी आर एम एस ट्रू इंटू 100। इसका सिंपली मतलब ये है, जब भी आपसे एरर की बात की जाती है, ध्यान से सुनना, एरर का मतलब है डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड माइनस ट्रू, आखिर मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू से कितनी डेविएट कर गई, दैट इज कॉल्ड AM means measured value minus true value means true. A एक कोई पैरामीटर है, वोल्टेज करंट पावर कुछ भी, दिस इज मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। और परसेंटेज एरर का मतलब हमेशा एरर एक ऐसी वैल्यू के रिस्पेक्ट में जाएंगे जो फिक्स है, तो फिक्स हमेशा ट्रू होता है ना कि मेजर्ड। ट्रू वैल्यू फिक्स है, मेजर्ड वैल्यू बार बार अलग आ सकती है गलती से, राइट। अगर गलत सिलेक्शन हो रहा है तो मेजर्ड वैल्यू गलत आएगी, और ट्रू वैल्यू बार बार क्या आएगी, सही आएगी। ट्रू तो पता ही होता है, ट्रू के रिस्पेक्ट में मेजर्ड का डेविएशन चेक करते हैं। तो परसेंटेज एरर का मतलब एरर विद रिस्पेक्ट टू ट्रू वैल्यू, और परसेंटेज के लिए 100, इसी को कहते हैं मेजर्ड माइनस ट्रू अपॉन ट्रू इनटू 100। आई होप सो मेरी बात सबको क्लियर हो रही हो, राइट। अब स्टूडेंट्स इस वाली वैल्यू पर, फार्मूले पर वैल्यू पुट कर दीजिए, और अगर केवल एरर पूछा है तो आप यहां से निकाल लो, आरएमएस मेजर्ड कितना आया था आपके पास, जो मेजर्ड किया था गलती से वो कितना आया था, 111, आना कितना चाहिए था 100, तो ट्रू वैल्यू थी 100, 111 माइनस 100 का मतलब 11 वैल्यू एक्स्ट्रा आ रही है। परसेंटेज एरर पूछा होता, दैट इज मेजर्ड माइनस ट्रू अपॉन ट्रू इंटू 100 परसेंटेज के लिए, तो ये वैल्यू आ जाएगी 11%। आंसर प्लस में आने का मतलब है, आंसर प्लस में आने का मतलब है मेजर्ड वैल्यू ज्यादा थी ट्रू वैल्यू से। अगर आंसर नेगेटिव में आता इसका मतलब मेजर्ड वैल्यू कम आई है ट्रू वैल्यू से। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ प्लस मींस हमारे पास मेजर्ड वैल्यू ज्यादा आई है, अभी तो दोनों का अंतर प्लस है, राइट। ये इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है। जैसे घर पर एनर्जी मीटर में कोई रीडिंग लेने आया और हमारे यहाँ एनर्जी मीटर पर जो VI cos phi into time से KWH की वैल्यू आनी चाहिए, मतलब जितनी हमने पावर कंज्यूम की है, वो पावर कंजम्पशन के हिसाब से आना चाहिए था इलेक्ट्रिसिटी बिल पर E का मान 1100 यूनिट, लेकिन जब पर्सन रीडिंग निकालने आया, राइट, तो उस समय जो इंस्ट्रूमेंट रीडिंग दिखा रहा है, हमने इंस्ट्रूमेंट में कुछ चेंजेस करा दिए, मीटर पर डिस्क स्लो चल रही है। अब अगर डिस्क स्लो चल रही है तो रीडिंग कम आएगी, और रीडिंग आई है 1000, आना चाहिए था 1100, आई है 1000, इसका मतलब आना चाहिए था 1100 और आई है 1000, तो आप समझिए 1100 ट्रू वैल्यू, राइट। कोई भी अगर सही मीटर को चेक करेगा तो ट्रू वैल्यू 1100 आनी चाहिए, लेकिन मेजरमेंट गलत होकर के आ गया 1000 जो डिस्प्ले पर आ रहा है, राइट। तो इस समय ट्रू वैल्यू ज्यादा है, मेजर्ड वैल्यू कम है, तो एरर किस में आएगी, माइनस में। लेकिन उल्टा होता, आना चाहिए था 1100 और आ गया रीडिंग 1200, मतलब 1100 रीडिंग आनी चाहिए थी और आ कितनी गई 1200, दैट मींस इस बार मेजर्ड वैल्यू 1200, सो दैट्स व्हाई तब एरर मेजर्ड माइनस टू का डिफरेंस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, राइट। तो ये हम लोग एरर एनालिसिस में प्रॉपर देखें। अभी इतना समझो कि बेसिक एरर का मतलब क्या है, परसेंटेज एरर का क्या मतलब न्यूमेरिकल में। आई होप स्टूडेंट, लास्ट क्वेश्चन, हाँ एक्चुअल, एक मिनट क्या लिखा था,
एफ डब्ल्यू आर का क्या मतलब है अनिकेत, क्लास में थे भी या नहीं? फुल वेव रेक्टिफायर, दैट इज फुल वेव रेक्टिफायर, राइट। और ये क्या लिख रहे हो, एक मिनट, कुछ लिखा था आपने, हाँ, ओम गुप्ता, इन टर्म्स ऑफ एक्चुअल वैल्यू एंड एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू एंड, देखो एक्चुअल वैल्यू को ही ट्रू वैल्यू कहते हैं, एक्चुअल वैल्यू को ही ट्रू वैल्यू कहते हैं स्टूडेंट्स, और एब्सोल्यूट एरर का मतलब ही क्या है, मेजर्ड माइनस ट्रू। ओके, एब्सोल्यूट एरर का मतलब ही क्या है, मेजर्ड माइनस ट्रू, जो मेजरमेंट जिसका कर रहे हो उससे मेजरमेंट कितनी आई वे वैल्यू, उसकी स्टैंडर्ड रिजल्ट पता होना चाहिए। मान लो 1 kg का वेट यहां रखा है, तो ये तो पता है ना कि 1 kg ये ट्रू है, उसके रिस्पेक्ट में मेजर्ड वैल्यू कितनी आई वो पता करोगे, तो ट्रू हमेशा फिक्स है। इसीलिए परसेंटेज एरर किसके रिस्पेक्ट में हमेशा बताते हैं, विद रिस्पेक्ट टू ट्रू वैल्यू, राइट। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए, बाकी एरर एनालिसिस में भी पढ़ाऊंगा। क्या ये क्वेश्चन सबको क्लियर है, क्या ये क्वेश्चन अब तक सबको क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? मानव आंसर क्लियर है 111, और अगर सही करेक्शन फैक्टर लिया होता तो इसका आंसर क्या आता, 100, लास्ट ईयर एग्जाम में आया था। ओके, तो आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं, और किसी का कोई डाउट तो नहीं है, कैन आई स्टार्ट? क्या ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से सब समझ गए हैं, कोई डाउट तो नहीं है इसमें स्टूडेंट्स? अगर कोई डाउट हो तो मैं वेट करूं, अदरवाइज आगे बढ़ूं। ओके ओके, कोई डाउट हो किसी का तो लिख सकता है। आप लोगों को रिप्लाई हिमांशु सर पर करना है। ओके ओके ओके, किसी का अभी तक कोई डाउट नहीं है? हाँ, गेटफ्लिक्स पर नहीं देख रहा हूं मैं, हिमांशु सर पर करेंगे रिप्लाई। यस ओम, एब्सोल्यूट एरर होती है एब्सोल्यूट वैल्यू के टर्म्स पर, ठीक है। एब्सोल्यूट एरर का मतलब ही होता है, जब हम बात करते हैं जनरल वे में, एब्सोल्यूट एरर एग्जैक्टली एरर क्या है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। और मेजर्ड वैल्यू हमारे पास ट्रू वैल्यू के साथ कितनी डेविएट कर रही है, ट्रू मींस एक्चुअल। ओके, एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं बोलते, एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं स्टूडेंट्स। ओके, चलो अब देखो, एक टाइम वेरिंग वोल्टेज वेवफॉर्म है, इसका आंसर भी अब आप दोगे। देखो, एक टाइम वेरिंग वोल्टेज वेवफॉर्म है जो कि आपको दी गई है, और इसको आप एक, इसको आप एक इलेक्ट्रॉनिक एसी वोल्ट मीटर से मेजर कर रहे हो, एक इलेक्ट्रॉनिक एसी वोल्ट मीटर से मेजर कर रहे हो, ठीक है। तो यहां पर ये टर्म्स मैं आपको एक बार समझा देता हूं, थोड़ा सा क्लियरिटी आपको ज्यादा आ जाएगी। बस थोड़ा सा टाइम दें, चलो। ये क्वेश्चन है, ए टाइम वेरिंग वोल्टेज वेवफॉर्म इज सोन बिलो, is measured is shown below is measured by an electronic AC voltmeter by an AC
इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मीटर, समझ गए होंगे आप। इलेक्ट्रॉनिक एसी वोल्ट मीटर का मतलब रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहा है दैट यूजेस फुल वेव, दैट यूजेस फुल वेव रेक्टिफायर, दैट यूजेस फुल वेव रेक्टिफायर इन डिजाइन, दैट यूजेस फुल वेव रेक्टिफायर इन डिजाइन। देन कैलकुलेट what is the percentage error, then calculate what is the percentage error in reading, percentage error in reading, reading पर percentage error बतानी है आपको। और ये waveform आपको इस तरह से given थी, मैं आपको क्लियर कर दूं, ये वेवफॉर्म इस तरह से आपको एग्जामिनर ने दे रखी थी, से दिस इज जीरो टी टू टी एंड सो ऑन, और यहां एम्पलीट्यूड वैल्यू वीएम लिखी हुई थी, समझ रहे होंगे आप। ठीक है, इस पर बोला गया था परसेंटेज एरर आपको पता करनी है, राइट, परसेंटेज एरर आपको पता करनी है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था By default, क्वेश्चन को पढ़ें, एक टाइम वेरिंग वोल्टेज वेवफॉर्म लिखना था, क्या लिख दिया ये, वोल्टेज वेवफॉर्म, प्लीज करेक्ट दैट, एक टाइम वेरिंग वोल्टेज वेवफॉर्म, फिर है एज सोन बिलो, एक टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी करने वाली वोल्टेज वेवफॉर्म मेजर्ड कर रहे हैं किससे, एसी इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मीटर से। इसका मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट लगे हुए हैं, और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के बारे में बोला गया दैट यूजेस फुल वेव रेक्टिफायर, जो कि डिजाइनिंग में क्या रखता है, फुल वेव रेक्टिफायर इन डिजाइन। देन कैलकुलेट व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन रीडिंग, तब आपको बताना है कि एरर कितनी आएगी। एरर पूछने का मतलब है पहले एक बार गलती से गलत करेक्शन फैक्टर के लिए डिजाइन हो गया होगा। तो देखो, सबसे पहले हमने, अगर मुझसे कोई पूछे इसका वीआरएमएस ट्रू कितना होगा, तो बताओ इसका वीआरएमएस ट्रू कितना होगा। ये एक साटूथ वेवफॉर्म है, और साटूथ वेवफॉर्म का आरएमएस आप सब जानते हो, वीएम बाई रूट थ्री आएगा, फार्मूला भी जानते हो, वहां से भी निकाल सकते हो, बट इतना याद होना चाहिए। अब आप अगर इसको फुल वेव रेक्टिफायर से पास करें तो क्या ग्राफ में कोई फर्क आने वाला है, कोई फर्क नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ग्राफ निगेटिव हाफ साइकिल में है ही नहीं, तो सेम ग्राफ आ जाएगा। बट इट इज ऑलवेज बेटर टू यूज कॉन्सेप्ट फ्रॉम, पहले फुल वेव रेक्टिफायर एफ डब्ल्यू आर से पास करिए वेव फॉर्म, और वेव फॉर्म पास होने के बाद वेवफॉर्म का ग्राफ लुक्स लाइक दिस, इस पर से 0t, 2t, 3t एंड सो, और इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वीएम है। तो अगर मैं बात करूं कि वी एवरेज आएगा कितना, तो पीएमएमसी क्या मेजर करता है स्टूडेंट्स, पीएमएमसी मेजर करता है एवरेज, अथवा इसी को हम कहते हैं टीसी, दैट वैल्यू शुड बी किसी सार्टूथ वेवफॉर्म पर एवरेज वैल्यू की अगर बात करें तो दैट इज वीएम बाय टू। तो अगर परसेंटेज एरर पूछ रहा है तो पहले गलत वाले की बात कर लेते हैं, और याद रखें एक्चुअल में जो पीएमएमसी रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट है वो बनाया गया था साइनोसोडल वेवफॉर्म के लिए, तो बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं बोला गया, तो आप पहला हमेशा कैलकुलेशन किसके लिए करेंगे, साइनोसोडल वेवफॉर्म के लिए, राइट। अगर वो बोलता है कि हमने सेम के लिए डिजाइनिंग की है, मतलब स्क्वायर भेजा और स्क्वायर के लिए डिजाइनिंग की है, तो स्क्वायर का करेक्शन फैक्टर। अगर वो बोलता है ट्रायंगुलर भेजा और ट्रायंगुलर के लिए ही डिजाइनिंग की है, तो ट्रायंगुलर का करेक्शन फैक्टर। अगर उसने बोला साटूथ भेजा और साटूथ के लिए ही डिजाइनिंग की है, तो साटूथ का करेक्शन फैक्टर एक्सेप्टेड। लेकिन कुछ नहीं बोला तो बाय डिफॉल्ट आप मानकर चलेंगे कि गलती से जो उपकरण बना है साइनोसोडल के लिए
उसमें हमने गलती से क्या भेज दिया, ट्रैकुलर। इसका मतलब इस समय जो वैल्यू आएगी वो गलत आएगी, और गलत वैल्यू हमारे पास कौन सी है, मेजर्ड वैल्यू। इस समय हमने करेक्शन फैक्टर किसका यूज कर दिया, 1.11। इसका यूज कर दिया, ये 1.11 गलत है, ये किसका होता है, साइनोसोडल वाला। तो अगर आप साइनोसोडल वाले से वैल्यू निकालोगे तो वो मेजर्ड वैल्यू आएगी, कौन सी वैल्यू आएगी, मेजर्ड। तो वी, अगर आपसे बोला जाए वी आर एम एस मेजर्ड कितना आ रहा है, तो देखो वी आर एम एस मेजर्ड वैल्यू का मतलब वी आर एम एस मेजर्ड बराबर वी एम बाई टू में करेक्शन फैक्टर कौन सा, साइनोसोडल वाला। साइनोसोडल का करेक्शन फैक्टर इनटू एवरेज निकाल लो आप, तो करेक्शन फैक्टर 1.11 इनटू वी एवरेज कितना था, वी एम बाई टू। तो ये वैल्यू आ गई होगी 1.11 डिवाइडेड बाय 1.11 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 0.555। यस, स्क्रीन ब्लर नहीं है स्टूडेंट, ठीक आ रही है, उस स्क्रीन बिल्कुल प्रॉपर है। ये वैल्यू आएगी 0.555 वीएम, लेकिन ये वैल्यू गलत है, मेजर्ड वैल्यू है। क्यों, क्योंकि आपने आंसर किसके लिए निकाला है, आपने आंसर निकाला है साइनोसोडल के लिए, जबकि ये वेवफॉर्म कैसी है, सार्टूथ। तो सार्टूथ वेवफॉर्म का करेक्शन फैक्टर जो होना चाहिए था वो लेना चाहिए था, लेकिन गलती से हम क्या ले गए, करेक्शन फैक्टर साइनोसोडल का। कुछ नहीं बोला होता तो बाय डिफॉल्ट हम साइनोसोडल के लिए गणना कर दे। क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए, एक टाइम वेरिंग वोल्टेज वेवफॉर्म आपको दी गई है जिसको एक इलेक्ट्रॉनिक वोल्टमीटर से गणना कर रहे हो। इलेक्ट्रॉनिक वोल्टमीटर के अंदर एक फुल वेव रेक्टिफायर लगा है, और अगर कोई फुल वेव रेक्टिफायर लगा है तो इसका मतलब फुल वेव रेक्टिफायर पर सेम पॉजिटिव वाली ऊपर वाली ग्राफ आ जाएगा, निगेटिव में अगर ग्राफ होता तो उसका इन्वर्टेड इमेज आता, लेकिन ऐसा है नहीं, राइट। आपने वी एवरेज पता किया इसका, तो पीएमएमसी पर वेवफॉर्म ये पहुंचेगी, तो आपने इसका एवरेज पता किया। एवरेज वैल्यू जो आ रही है दैट इज वीएम बाई टू, इस पर गलती से किसका गुणा हुआ, क्योंकि साइनोसोडल वाला आपने इंस्ट्रूमेंट यूज कर लिया, तो एरर आ गई, और जो एरर आई है वो कितनी आ गई, 0.555 वीएम वैल्यू आ गई। अब आपको अगर मेजर्ड वैल्यू की जगह, हाँ वेरी गुड आनंद, वेरी गुड। अब अगर आपको ट्रू वैल्यू चाहिए तो बताओ ट्रू वैल्यू कितनी आनी चाहिए। ट्रू वैल्यू आपको पहले ही दिख रही है, मैं ऊपर वाला हटा रहा हूं, अगर यहां तक लिख चुके हैं, ट्रू वैल्यू पहले ही पता होती है, ठीक है, ट्रू वैल्यू की डिजाइनिंग नहीं कर रहा, बट चलो मान लो समझाने के लिए लिख ही देता हूं। तो देखो इस पर अगर आपसे बोला जाए, इसमें दो तीन क्वेश्चंस के बाद आपको बहुत प्रॉपर क्लियरिटी इस पर हो जाएगी, आफ्टर 2-3 बिट्स यू गॉट प्रॉपर क्लियरिटी। जैसे इस पर अगर मैं बात करूंगा, आपके पास अगर सही इंस्ट्रूमेंट होता, अगर आपके पास बिल्कुल सही इंस्ट्रूमेंट होता तो देखिए बिल्कुल सही इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से आप कितनी वैल्यू निकालते, आप यहां पर ये कोई आपके पास ट्रायंगुलर ग्राफ है जिस पर जिसको आपने फुल वेव रेक्टिफायर से पास किया, दिस वैल्यू इज 0 t 2 t एंड सो ऑन। जब फुल वेव से आपने पास किया तो वेवफॉर्म दिस आ रही, कोई चेंज नहीं आ, ठीक है। अब जब इस वेवफॉर्म पर बात करें तो दिस इज 0 t 2 t 3 t सो ऑन। इसका एम्पलीट्यूड कितना था, वीएम। इसका भी एम्पलीट्यूड कितना था, वीएम।
अब देखो अगर हम एक्चुअलिटी की बात करें तो इसका वीआरएमएस, इसका वीआरएमएस ट्रू कितना होता है? वीएम बाई रूट थ्री। और अगर ये लाना है, अगर ये लाना है तो पहले ग्राफ को फुल वेव से पास कराओगे, फुल वेव के बाद जो आउटपुट आएगा। अब देखो केवल ऊपर पल्सेस हैं, ऊपर वाली पल्सेस को हम पीएमएमसी पर रीडिंग देख सकते हैं। और पीएमएमसी क्या मेजर करता है इसको? पीएमएमसी इस पर कोई एवरेज वैल्यू मेजर करेगा। दिस इज आरएमएस, यहाँ ये कोई आरएमएस था, दिस इज वी आरएमएस एंड दिस इज वी एवरेज। इसका वी एवरेज पता करो, तो जब आप इसका वी एवरेज पता करोगे तो वी एवरेज बराबर वीएम बाई टू आ जाएगा। अब वीएम बाई टू पर किसका गुणा करें कि सेम आरएमएस ये आ जाए, तो क्या किसका गुणा करना चाहिए? एक्चुअलिटी में हमें अगर हम 2/√3 का गुणा कर दें तो क्या स्टूडेंट सेम आंसर नहीं आ जाएगा? तो वी आर एम एस टू वीएम बाई रूट थ्री आना चाहिए। और वीएम बाई रूट थ्री का मान कितना है? अगर मैं आपसे बोलूं 1/√3 दैट इज 0.577 आ रहा होगा, 0.577 चेक कर लेना। तो 0.577 वीएम, राइट? तो ये वैल्यू कौन सी है? वी आर एम एस ट्रू है, दिस इज वी आर एम एस ट्रू। मुझे नहीं लगता आप किसी को इसमें दिक्कत होनी चाहिए। आपसे परसेंटेज एरर पूछा गया है, परसेंटेज एरर का मतलब वी आर एम एस का कौन सा मान मेजर्ड माइनस वी आर एम एस का कौन सा मान ट्रू अपॉन वी आर एम एस कौन सा मान ट्रू इनटू 100। यहां से अगर हम वैल्यू पता करें तो परसेंटेज एरर की वैल्यू क्या आ जाए? मेजर्ड वैल्यू कितनी थी स्टूडेंट्स? मेजर्ड वैल्यू इससे पहले जो आई थी दैट इज 0.555 वीएम। ये क्यों गलत था? क्योंकि बनाना था स्क्वायर और बना किसके लिए दिया गया? साइनोसोइडल। तो साइनोसोइडल पर वैल्यू गलत आ रही है माइनस। ट्रू के लिए वैल्यू कितनी आ रही है? 0.577 वीएम डिवाइडेड बाय 0.577 वीएम इनटू 100। जब आप इस वैल्यू को सॉल्व आउट करेंगे तो माइनस का 3.82 आना चाहिए। चेक कर लेना एक बार, वीएम वीएम कट जाएगा, माइनस का 3.8 समथिंग आ रहा होगा। कितना आ रहा है आप लोगों का? एक बार रिप्लाई करो। हाँ ठीक है, जो भी आ रहा है 4 आ रहा है। वो डिपेंड करेगा स्टूडेंट कितने पॉइंट तक लिखा है आप, राइट? जितने पॉइंट तक वैल्यू लिखोगे दैट इज नॉट एन इश्यू। अरे अब इसको देख लो स्टूडेंट्स कितना आ रहा है, 0.555 माइनस 0.577, 3 digit तक मैंने लिया है, डिवाइडेड बाय 0.577 इनटू 100। कैलसी पर 3.812 आ रहा है, सॉरी माइनस का 3.812 आ रहा है अगर कैलसी पर जो मैंने अभी सॉल्व किया है 3 digit तक। बाकी जितने डिजिट के हिसाब से सॉल्व करोगे उतने डिजिट के हिसाब से आंसर आ जाएंगे। ये मैंने 3 digit के हिसाब से सॉल्व किया है, एग्री? क्या अब ये कुछ समझ में आया कि क्या पढ़ रहे हो आप लोग? क्लियर हुआ सभी को? आप समझ पा रहे हो क्वेश्चन कैसे आएंगे एग्जाम में? यस यस यस, क्वेश्चन क्लियर है सबको? ये दोनों क्वेश्चन मुझे लगता है सबको क्लियर होने चाहिए। चलो सब लोग क्लियर बता रहे हो, ठीक है। हाँ कुछ ऐसा टफ नहीं है स्टूडेंट्स, कुछ टफ नहीं है। वो पहला क्वेश्चन थोड़ा टाइम लेता है। चलो अब एक अगला क्वेश्चन लिखो, कंसीडर ए टाइम वेरिंग, यस कंसीडर ए टाइम वेरिंग वोल्टेज वेवफॉर्म फ्रॉम
अभी कराने दो 3-4 क्वेश्चन, सो दैट थोड़ा सा हाथ आप लोगों का सेट हो जाए। थोड़ा सा टाइम दे बस। चलिए, सॉरी स्टूडेंट्स, अब आप देख सकते हैं यहां पर एक बहुत सिंपल बिट को मैं ले रहा हूं, लेकिन ये क्वेश्चन आपके काफी कॉन्सेप्ट्स को बिल्डअप करेगा। मैंने लिखा है, लिखना स्टार्ट कर दें आप, consider a time varying voltage waveform which is shown below which shown below is measured by following voltmeters, then calculate reading of voltmeter in each case, हर केस में वोल्टमीटर की अलग अलग रीडिंग आपको बतानी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं स्टूडेंट्स कोशिश करता हूं कि आप लोगों को क्लियरिटी रहे। पहला बोला गया था जब मीटर केवल एवरेज, या ऐसा लिख लेता हूं मैं, केवल पीएमएमसी वोल्टमीटर है। अगला है मूविंग आयरन वोल्टमीटर, और थर्ड है पीएमएमसी रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट, PMMC रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट। तो ये तीन तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो पीएमएमसी वोल्टमीटर है। स्टूडेंट्स, पीएमएमसी वोल्टमीटर को ही कहा जाता है एवरेज मेजरिंग। दिस इज एवरेज, ये एवरेज दिखाता है, एवरेज के लिए रिस्पॉन्ड करता है, एवरेज रिस्पॉन्डिंग वोल्टमीटर। इसी तरह अगर आपसे बोला जाए मूविंग आयरन का दूसरा नाम, तो दिस इज आरएमएस रिस्पॉन्डिंग वोल्टमीटर। ये आरएमएस को इंडिकेट करता है, आरएमएस रिस्पॉन्डिंग वोल्टमीटर, सीधे आरएमएस। बट जो लास्ट केस है पीएमएमसी रेक्टिफायर टाइप, इसको कहते हैं रिस्पॉन्ड तो ये एवरेज के लिए करता है, दिस इज एवरेज रिस्पॉन्डिंग, बट दिखाता क्या है एवरेज रिस्पॉन्डिंग, बट दिखाता क्या है ये, दिस शोस एवरेज रिस्पॉन्डिंग आरएमएस इंडिकेटिंग, दिखाता क्या है आरएमएस।
तो डिफरेंट डिफरेंट नाम हो सकते हैं, ठीक है। और जो ग्राफ मैंने बनाया है इसको प्रॉपर बनाएंगे, ग्राफ लुक्स लाइक दिस। ये ग्राफ आप भेज रहे हो, यहां दिस इज 3 वोल्ट और 3 वोल्ट के बाद ये ग्राफ डाउनवर्ड जा रहा है -1 पर, इसके बाद फिर वेवफॉर्म रिपीट हो रही है। तो दिस इज 0, दिस इज टी हाफ, दिस इज टी, दिस इज अगेन 3t/2, दिस इज 2t, दिस इज 5t/2। एक ही बात है, मुझे लगता है यहां तक क्लियर है। अब ये ग्राफ आप सॉल्व आउट कर सकते हो। इस ग्राफ को सबसे पहले देखो, बोला है कंसीडर ए टाइम वेरिंग वोल्टेज वेवफॉर्म जो कि नीचे दी गई है, इसको निम्नलिखित वोल्टमीटर से पास किया जा रहा है। पहला वोल्टमीटर था पीएमएमसी, तो पीएमएमसी क्या देता है, डीसी या एवरेज, तो इसका एवरेज निकाल लो, एवरेज का कॉन्सेप्ट आप जानते हो। फिर बोला गया मूविंग आयरन, मूविंग आयरन क्या मेजर करता है, आरएमएस। अभी पढ़ाया नहीं है मूविंग आयरन, बट इतना आप जानते हो क्या मेजर करता है, आरएमएस। तो आरएमएस का मेजरमेंट कर दो। लास्ट में बोला है पीएमएमसी रेक्टिफायर टाइप, तो पीएमएमसी रेक्टिफायर टाइप क्या करता है, एवरेज के लिए रिस्पॉन्ड करता है, लेकिन दिखाता क्या है, आरएमएस। जबकि पीएमएमसी एवरेज के लिए रिस्पॉन्ड करता है, एवरेज ही दिखाता है। एमआई आरएमएस के लिए रिस्पॉन्ड करता है और आरएमएस ही दिखाता है, लेकिन पीएमएमसी रेक्टिफायर टाइप क्या है, मेजरमेंट करता है एवरेज का और दिखाता क्या है, आरएमएस। चलिए स्टार्ट करिए। एवरेज वैल्यू का फार्मूला सब जानते हैं, पीएमएमसी की रीडिंग आ चुकी होगी 0, पीएमएमसी की रीडिंग आ चुकी होगी, वेवफॉर्म अपना साइकिल 2t से रिपीट कर रहा है, ठीक है। फिर आरएमएस निकालो, जल्दी निकालिए, मैं सभी का आंसर देखूंगा। एक बार स्टार्ट तो करो, साइकिल 2t से है, आरएमएस एवरेज बहुत आसान चीजें हैं, स्टार्ट करिए।
सॉरी, कितने आंसर आ चुके हैं आप लोगों के? ओके, दैट इज केस ऑफ फॉर्मूला नहीं पता. ओके ओके ओके. आनंद मानो आनंद हर्ष अमन. चलो यार, जितने लोगों ने एवरेज नहीं पढ़ा क्या? एवरेज बिल्कुल भी चलो देखते हैं. इतना बहुत सिंपल था स्टूडेंट्स, नेटवर्क में अभी आया नहीं है. चलो कोई बात नहीं, अगर इतना नहीं जानते हो तो भी मैं बता देता हूं, बहुत सिंपल सी बात है. चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं. अगर मैं स्टूडेंट्स फर्स्ट वाले टर्म की बात करूं तो देखो पहले वाले का मतलब क्या है. यहां पर अगर मैं फर्स्ट वाले की बात करूं तो फर्स्ट वाले पर, पहले वाले पर एवरेज रिस्पॉन्डिंग की बात हो रही है, तो इसका मतलब एवरेज का मेजरमेंट की बात हो रही है. तो इस ग्राफ में एवरेज और आरएमएस की पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं. तो एवरेज और आरएमएस की अगर मैं कैलकुलेशन की बात करूं तो बहुत सिंपल वे में हमें ये कैलकुलेशन करनी चाहिए. सबसे पहले देखिए, कैलकुलेशन में स्टार्ट करता हूं और आप बिल्कुल भी स्टूडेंट वरीनेस ना लें जिन्होंने आरएमएस एवरेज नहीं भी पढ़ा. आरएमएस एवरेज बहुत सिंपल होता है, ठीक है. हालांकि अगर आपने डीसी और एसी सर्किट लेकर एवरेज और आरएमएस का फॉर्मूला ड्राइव किया होता नेटवर्क में, फिर उसके बाद आप कैलकुलेशन पार्ट को सीखते तो ज्यादा अच्छा रहता है. बट चलिए कोई बात नहीं, इसीलिए सबसे पहले आप लोगों को नेटवर्क सब्जेक्ट कराया जाता है, क्योंकि इसकी जरूरत पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी पड़ेगी, सिग्नल में भी कई कॉन्सेप्ट्स आपको जरूरत में आएंगे. देखो ये एक वेवफॉर्म थी जिस पर आप, ये सिंपल एक वेवफॉर्म है, ठीक है. इसका पॉजिटिव पीक एम्पलीट्यूड कितना है? +3 वोल्ट. निगेटिव एम्पलीट्यूड पीक कितना है? -1 वोल्ट. और वेवफॉर्म दिस इज टी हाफ, और इसके बाद यहां कहीं टी है, दिस इज 3t/2, और इसके बाद यहां वैल्यू 2t है, ठीक है. तो लाइक ये दिस वेवफॉर्म चल रही है, ऐसी ही वेवफॉर्म आगे तक जा रही है. अब ये जो वेवफॉर्म है स्टूडेंट, इस बार ऐसा नहीं कि पहले इसको फुल वेव से पास कराओ, नहीं. अभी पहले क्या पूछा है? पहले पूछा है पीएमएमसी वोल्ट मीटर की रीडिंग. तो पीएमएमसी वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है? देखिए पीएमएमसी वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है? पीएमएमसी वोल्ट मीटर विल मेजर एवरेज वैल्यू ऑफ द वेवफॉर्म, एवरेज वैल्यू ऑफ द वेवफॉर्म. तो ये सिंपली एवरेज मेजर करता है. अब एवरेज का मतलब किसी कंप्लीट साइकिल पर एवरेज मेजर करेंगे तो वी एवरेज का फार्मूला हो जाएगा. बताओ जरा वेवफॉर्म का नेचर कहां से रिपीट कर रहा है? ये वेवफॉर्म लाइक दिस चल रही है, और इस टूटी के बाद देखो इसके बाद यहां नहीं रिपीट कर रहा, ऊपर नहीं जा रहा, फिर यहां, लेकिन इसके बाद फिर ऊपर जा रहा है, लाइक दिस सेम ग्राफ आ रहा है जैसा यहां था, फिर इसके बाद ऐसे जा रहा होगा, फिर रिपीट कर रहा होगा. वेवफॉर्म की जो पहली साइकिल है वो पहली साइकिल यहां तक है, दिस इज 2t, राइट. तो वेवफॉर्म की एक साइकिल को हम लेंगे और इस पर एवरेज वैल्यू पता करेंगे. तो सबसे पहले वी एवरेज का जनरल फार्मूला क्या होगा? 1/टाइम पीरियड इंटीग्रल ऑफ
जीरो से टाइम पीरियड, राइट, जो भी साइकिल बन रही होगी, और फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू डीटी, राइट। अब बताओ वन अपॉन टाइम पीरियड, कितना टाइम पीरियड है इसका, टू टी, तो आपने क्या लिखा, वन अपॉन टू टी। अब बताओ इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, एरिया अंडर द कर्व। इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, एरिया अंडर द कर्व। तो बताओ या सिंपली फॉर्मूले पर वैल्यू पुट कर लो, इस समय प्लस थ्री एम्पलीट्यूड है, कोई एम्पलीट्यूड बदल नहीं रहा, और लिमिट जीरो से टी हाफ, आपने इसकी पहली लिमिट पुट की जीरो से टी हाफ, और उस समय एम्पलीट्यूड कितने पर कॉन्स्टेंट है, थ्री विद रिस्पेक्ट टू डी टी प्लस। अगला वाला ग्राफ का नेचर देखो, टी बाई टू से टू टी तक, तब एम्पलीट्यूड कितना है, माइनस वन, आपने लिखा इंटीग्रल ऑफ लिमिट कहां से कहां, टी हाफ से टू टी, नेचर बदल रहा है, लिमिट टी हाफ से टू टी तक, इसका एम्पलीट्यूड कितना है, माइनस वन, माइनस वन विद रिस्पेक्ट टू डी टी। सॉल्व कर लो, वन अपॉन टू टी, वन अपॉन टू टी का मतलब टोटल टाइम पीरियड ओवर द साइकिल, वन कंप्लीट साइकिल। अब इंटीग्रल पर थ्री बाहर आ जाएगा और वन का इंटीग्रेशन स्मॉल टी आएगा, और लिमिट पुट कर दोगे जीरो से टी बाई टू। अगला माइनस वन बाहर आ जाएगा, माइनस क्यों आया, क्योंकि निगेटिव पर था, राइट, तो दिस इज माइनस वन, और इंटीग्रल का मतलब टी आ जाएगा, और लिमिट क्या है इसकी, अपर लिमिट टू टी, लोअर लिमिट टी बाई टू। सॉल्व कर लेना, वन अपॉन टू टी, अंदर आ जाएगा थ्री, हायर लिमिट टू टी बाई टू, लोअर लिमिट जीरो है, रखने की जरूरत नहीं, माइनस वन। अगला हायर लिमिट कितनी है, टू टी, माइनस लोअर लिमिट टी बाई टू। सॉल्व कर लो इसको, तो आप देख सकते हो दिस इज नथिंग बट जीरो आ जाएगा। वी एवरेज बराबर वन अपॉन टोटल टाइम पीरियड टू टी। इसके बाद ये तो आप सभी समझ रहे हो, थ्री हायर लिमिट टी बाई टू, लोअर लिमिट जीरो, हायर माइनस लोअर रखते हैं, दिस वैल्यू शुड बी थ्री कैपिटल का टी बाई टू लिमिट पुट करने के बाद, और माइनस बताओ टू टू द फोर टी माइनस टी, दैट इज थ्री टी बाई टू, दिस इज माइनस थ्री टी बाई टू। अल्टीमेटली ये दोनों बराबर हो गए, तो एवरेज वैल्यू कितनी आ गई, जीरो। वी एवरेज कितना आ गया इसका, जीरो। तो पीएमएमसी क्या दिखाएगा, जीरो वोल्ट। अदरवाइज ज्यादा आसान ये था, नंबर ऑफ टाइम्स स्टूडेंट इसको प्रेफर करते हैं, वन अपॉन टाइम पीरियड कितना है, टू टी, इनटू एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर कंप्लीट साइकिल, वन कंप्लीट साइकिल की मैं बात कर रहा हूं, बताओ इसमें एरिया कितना इंक्लूड होगा, वन अपॉन टू टी। एरिया बताओ जरा, पूरे साइकिल का एरिया, क्या ये एक रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर है, रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर का एरिया दिस डिस्टेंस इनटू दिस डिस्टेंस, तो ये थ्री था और ये डिस्टेंस टी बाई टू, तो कैन आई राइट थ्री इंटू टी बाई टू प्लस यहां तक का एरिया, यहां तक का बाउंडेड एरिया, क्लोज्ड पाथ, यहां तक का एरिया हमने कंक्लूड कर लिया है स्टूडेंट्स, राइट। अब इस नीचे वाले का एरिया निकालना है, इस नीचे वाले का एरिया अगर हम देखें तो ये नीचे वाले का एरिया लाइक दिस, ये कहां तक है, ये टी बाई टू से टू टी तक है, और नीचे वाली वैल्यू दिस, ये डिस्टेंस कितनी है निगेटिव साइड पर, वन यूनिट, तो निगेटिव साइड का मतलब माइनस वन मान लें, इनटू, क्योंकि ये डिस्टेंस निगेटिव साइड है, दिस इज माइनस वन मान लिया, और यहां तक की दूरी क्या होगी, 2t से कितने तक का डिफरेंस, ये डिस्टेंस कितनी होगी, इस 2t से इस t हाफ का डिफरेंस, तो 2t माइनस t हाफ, और ये आपके पास आंसर आ गया, आपको दिख ही रहा है दिस इज वन अपॉन 2t, यहां 3t बाई टू, फिर माइनस टू टू जा फोर माइनस वन एट बाई टू, तो दिस वैल्यू कैंसिल, एवरेज वैल्यू कितनी आ गई, जीरो, राइट। इसकी एवरेज वैल्यू, हेलो,
मुझे लगता है इसकी एवरेज वैल्यू तक किसी को दिक्कत नहीं है। चलो अब हम लोग इसकी आरएमएस पे चलते हैं। हेलो, हाँ हाँ बात करो। हाँ जी, हाँ जी, कुछ नहीं भाई, हल्का फीवर था। हेलो 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 है, नहीं आपके पास होगी ना वो वाली? नहीं नहीं बस वही चलेगी, वही चलेगी, ठीक है, उसी के साथ आ जाएगी। ठीक, ओके ओके। हाँ सॉरी स्टूडेंट्स, हाँ सॉरी, वॉइस आ रही है सभी को? हेलो, क्या स्टूडेंट्स आप लोगों को मेरी वॉइस आ रही है? हेलो, वीडियो क्लियर नहीं है? ओके मैं एक बार देख लेता हूं, वीडियो तो क्लियर आ रहा है स्टूडेंट्स, वीडियो क्लियर है? Those who are saying video clear नहीं है, video and audio both are clear, video और audio में कोई as such issue नहीं है students, ठीक है? कोई doubt हो इसमें तो बताओ पहले, I hope so यहां तक कोई doubt नहीं है, okay, अब देखो हम लोग RMS value को पता करते हैं, RMS का मतलब होता है root mean square value, root mean square value, तो ये कॉन्सेप्ट तो आप जानते हो, वैसे जब वहां पढ़ोगे आप आरएमएस तो वहां डायरेक्टली शॉर्टकट्स पर पढ़ोगे, राइट, ग्राफ का डायरेक्ट स्क्वायर करना और आंसर, बट मैं अभी एग्जैक्ट मेथड से ही आपको बता रहा हूं क्योंकि नेटवर्क में बहुत सारे कैलकुलेशंस हैं, राइट, यहां मेजरमेंट पर ये कैलकुलेशंस इरेलेवेंट है, हम लोग डायरेक्ट आंसर्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो यहां से अगर मैं आपको बताऊं तो डायरेक्ट आपको आइडिया लग जाएगा। इसमें सिंपली आपको क्या करना है, देखिए जैसे यहां पर ये जो क्वेश्चन था, इसके बाद आप लोगों को पीएमएमसी रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट की भी रीडिंग निकालनी है कि पीएमएमसी रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट पर रीडिंग क्या आ रही है, ठीक है, वो रीडिंग भी आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए। चलो बिल्कुल आसान है स्टूडेंट्स, सर टू मच इजी फॉर यू। चलो जिन्होंने आरएमएस में जिनको दिक्कत थी, वैसे आरएमएस बहुत सिंपल है, ये कोई आपके पास वेवफॉर्म थी जिस पर प्लस 3 वोल्ट और यहां 0 से T½, इसके बाद यहां T था, यहां 3T/2 एंड दिस वन 2T, फिर वेवफॉर्म रिपीट कर रही है, ठीक है, ऐसा ये क्वेश्चन था। तो हमें तो एक साइकिल से ही मतलब है, तो अगर मैं एक साइकिल की बात करूं तो देखिए एक साइकिल का मतलब यहां तक की बात कर रहा हूं मैं, लाइक दिस, इस साइकिल का टाइम पीरियड, टी बराबर कितना यहां 2T है,
यहाँ टाइम पीरियड पूरा यहां से यहां तक कितना है टूटी। अगर आपसे आरएमएस पूछा जाए तो जनरल वे में वी आरएमएस का मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल रूट, तो अंडर रूट लगा दिया, मीन, मीन का मतलब एवरेज वन अपॉन टाइम पीरियड, फिर स्क्वायर फंक्शन का स्क्वायर ओवर द कंप्लीट साइकिल, तो इसका मतलब कितना एरिया इनक्लोज हो रहा है, तो जीरो टू टी राइट दैट इज टाइम पीरियड, और फंक्शन का स्क्वायर वोल्टेज वैल्यू है तो वोल्टेज का स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू डी टी टाइम के रिस्पेक्ट में। तो वी आर एम एस बराबर, ये तो फार्मूला हो गया, अब फार्मूलाज पर वैल्यू पुट करते हैं, तो बताओ वन अपॉन टाइम पीरियड कितना है टू टी, वी कैन राइट टोटल टाइम पीरियड एज वन बाई टू टी। अब मैं अगर इंटीग्रल की बात कर रहा हूं तो इंटीग्रल पर दो पार्ट्स में लिमिट ब्रेक होगी, एक जीरो से टी हाफ, फंक्शन का नेचर चेंज हो रहा है, जीरो से टी हाफ पर फंक्शन पर वैल्यू है थ्री, और थ्री का स्क्वायर, फंक्शन का स्क्वायर करना है तो थ्री का स्क्वायर नाइन डी टी, प्लस अगली लिमिट कहां से कहां है, टी हाफ से टू टी है, टी हाफ से टू टी, और फंक्शन की वैल्यू है माइनस वन, माइनस वन का स्क्वायर वन आएगा विद रिस्पेक्ट टू डी टी, माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन आएगा, इसमें कोई इशू नहीं है। चलो अब यहां से आप देखिए इंटीग्रल के इनसाइड, सबसे पहले तो आपने रूट रखा और अंडर रूट पर वन अपॉन टू टी, अब यहां देखिए नाइन कॉमन हो गया और वन का इंटीग्रेशन टी हो गया स्मॉल टी, लिमिट क्या थी जीरो से टी हाफ प्लस वन आउटसाइड, और वन का इंटीग्रेशन टी है, लिमिट है टी हाफ से टू टी। मुझे लगता है इस यहां तक कोई इशू नहीं है। फिर रूट ऑफ वन बाई टू टी, अब देखो यहां वैल्यू क्या हो जाएगी नाइन के साथ, नाइन टी बाई टू, नाइन इंटू टी बाई टू माइनस जीरो, हायर माइनस लोअर, प्लस यहां जब आप बात करेंगे तो दिस इज इस टी की जगह एक बार टू टी और एक बार टी बाई टू, तो टू टी माइनस टी बाई टू, ठीक है। अब ये वैल्यू वी आर एम एस जो आ रहा है, यू कैन चेक दिस वी आर एम एस इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ वन अपॉन टू टी, इसके बाद ये वैल्यू कितनी आ रही है 90 बाई टू प्लस टू टू जो फोर, फोर माइनस वन दैट इज 80 बाई टू। नाउ यू कैन कंक्लूड दीज आंसर्स, तो मुझे लगता है सभी का आंसर करेक्ट था, वन अपॉन टू टी टू एलसीएम है, 90 प्लस 80 मीन्स 12 टी, और टू टी से ये कट गया सिक्स टाइम्स, थ्री टाइम्स रूट थ्री आ गया, यू कैन चेक दिस वैल्यू शुड बी रूट थ्री, और मुझे लगता है ये आंसर, मुझे लगता है ये आंसर यहां तक सभी का सही था, ठीक है। इस आंसर पर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आरएमएस बहुत सिंपल होता है, यस। अब बताना है एवरेज मेजरिंग और आरएमएस इंडिकेटिंग, एवरेज मेजरिंग आरएमएस इंडिकेटिंग, एवरेज को मेजर करने वाला और आरएमएस को दिखाने वाला, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, ठीक है, इसको अब हमें मेजर करना है। यस यस यस, चलो अब हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं ना, हाँ, जो भी वैल्यू आ रही है एक बार अब देखो, देखते हैं हम लोग पीएमएमसी रेक्टिफायर टाइप में आंसर क्या आएंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, बाय डिफॉल्ट अगर पीएमएमसी रेक्टिफायर टाइप में कुछ नहीं बोला गया, मुझे लगता है ये आप लोग सभी समझ गए हैं। अब मैं पीएमएमसी रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट पर रीडिंग निकालता हूं, अगर मैं पीएमएमसी रेक्टिफायर टाइप पर रीडिंग निकालू तो पीएमएमसी रेक्टिफायर टाइप के लिए, अगर मैं पीएमएमसी रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग निकालू तो इसके लिए सिंपली मुझे क्या करना चाहिए, देखो
पीएमएमसी रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट्स पर रीडिंग क्या आएगी एक बार समझ लेना। सॉरी देखो अब यहां पर इस क्वेश्चन के पहले ग्राफ को अंडरस्टैंड करना है स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा क्रिटिकल है जहां बाय डिफॉल्ट मिस्टेक्स होती है, ठीक है, शाम से गलतियां होती हैं, जरा समझे। जैसे ये जो ग्राफ था, या पहले मैं लिख दूं थर्ड पीएमएमसी रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट्स, पीएमएमसी रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट, तो हमें पीएमएमसी रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट से रीडिंग कैलकुलेट करनी है, राइट। अब देखो अगर मैं पीएमएमसी रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट से रीडिंग निकालूं तो अपने पास क्या बनेगा, ग्राफ लुक्स लाइक दिस। ये एग्जामिनर ने दे रखा है, दिस ग्राफ इज गिवन बाय एग्जामिनर, और एग्जामिनर ने दिया था 3 वोल्ट से -1 वोल्ट, डॉट डॉट बना दिया समझाने के लिए, या छोड़ दो। इसके बाद ये पॉइंट था T/2, दिस इज 0, इसके बाद T फर्दर 3T/2 एंड दिस वन 2T, 2T तक ये ग्राफ गया और फिर रिपीट कर गया, लाइक दिस चल रहा है ग्राफ। थोड़ा विड्थ और ले लो, लाइक दिस चल रहा है ग्राफ, राइट। तो सबसे पहले पीएमएमसी रेक्टिफायर टाइप में पहली बात क्लियर होनी चाहिए, ग्राफ कुछ भी भेजो, यहां पहले फुल वेव रेक्टिफायर से पास होगा, राइट, किससे पास होगा, फुल वेव रेक्टिफायर से। और अगर हम लोग फुल वेव रेक्टिफायर से पास करने के बाद इसको भेजें तो ये वेव फॉर्म अब कैसी आएगी, ये क्रूशियल क्वेश्चन है, पहले तो ये क्लियर होना चाहिए। जब आप इससे पास करोगे तो देखो पॉजिटिव पॉजिटिव टी हाफ तक सेम ग्राफ है, तो ये सेम लाइक दिस आ गया T/2 तक। फिर क्या होगा, हाँ ध्यान से सुनना आप लोग, जो नीचे वाला ग्राफ है क्या ये नीचे वाला ग्राफ अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, अगर ये अपवर्ड शिफ्ट होगा तो इसका मतलब ये ग्राफ यहां से चलते हुए +1 पर, राइट, ये +1 पर ऐसा जाएगा, और ये +1 से ऐसा जा, इसका इन्वर्टेड इमेज आएगा ना फुल वेव रेक्टिफायर से, तो ये ऐसे जा रहा होगा, और ये ऐसे जाने के बाद यहां तक ऐसा जाएगा, बट इसके बाद ये वाली पल्स जो पॉजिटिव है, सॉरी ये वाला जो एरिया पॉजिटिव है ये फिर ऊपर आ जाएगा, इसको मैं ब्लू कलर से फिर बना देता हूं, तो ये ब्लू कलर से लाइट फिर से वैसा ही बनेगा जैसा यहां बना, राइट, ऐसे ये स्वान चल रहा होगा। तो स्टूडेंट्स अभी जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो केवल और केवल पॉजिटिव पीक तक की है, तो इसमें हम क्या करेंगे, ये वाला जो हमारे पास ग्राफ नीचे का और ये दिस है, ये दोनों एक दूसरे को कट कर देंगे, राइट, ये वाला नीचे वाला भी एक दूसरे को कट कर देगा, फिर इसके बाद इस पोर्शन के बाद फिर से नीचे से भी ये नीचे वाला फिर ऊपर आएगा, तो ये पोर्शन भी कट हो जाएगा, तो ये ग्राफ ऐसा आएगा, राइट, ये ग्राफ ऐसा आ रहा हो जो पीएमएमसी रेक्टिफायर टाइप में रेक्टिफायर फुल वेव रेक्टिफायर से पास होने के बाद आए, राइट। और ये जो ग्राफ आया ये कहां से अपना नेचर रिपीट कर रहा है, दिस इज T/2, दिस इज से टी, दिस इज 3T/2 एंड दिस इज 2T, दिस इज 5T/2, ऐसे चल रहा होगा। तो बताओ इस ग्राफ का नेचर कहां से रिपीट हो रहा है, क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा, ये ग्राफ एरिया इंक्लोज्ड करेगा कुछ, और ये जो एरिया इंक्लोज करेगा वो दिस तक होगा, अप टू दिस, राइट, यहां तक इस पार्ट तक का एरिया हमें मतलब है एरिया इंक्लोज्ड बाय दिस, राइट, क्योंकि साइकिल वेवफॉर्म का नेचर लाइक दिस जा रही है वेवफॉर्म, दिस दिस दिस, फिर यहां से इस पॉइंट के बाद This, this, this. तो ये जो टूटी वाली लाइन है यहां से वेवफॉर्म अपना नेचर रिपीट करने लग रही है,
अगर नेचर रिपीट कर रही है तो क्या हमें 2T तक एक साइकिल मिलेगी? इसी को कह सकते हैं टाइम पीरियड बराबर 2T। अब जनरल वे में या तो एरिया प्रॉपर्टी लगा लो या फिर फॉर्मूले पर वैल्यू पुट कर लो। और आपको पता था यहां तक का एम्पलीट्यूड 1 वोल्ट है और यहां तक का एम्पलीट्यूड 3 वोल्ट है, राइट? तो मैं एक काम करता हूं, ग्राफ को 2 पार्ट्स में ब्रेक कर लेता हूं, एक दिस और एक दिस, राइट? तो अगर मैं पीएमएमसी की बात करूं तो पीएमएमसी मेजर क्या करेगा? दिस इज नथिंग बट वी एवरेज, और वी एवरेज का मतलब 1/टाइम पीरियड इंटीग्रेशन ऑफ 0 से टाइम पीरियड फंक्शन dt। बहुत सिंपल। आरएमएस में अंडर रूट में फंक्शन का स्क्वायर भी करते हैं, लेकिन यहाँ रूट मीन स्क्वायर नहीं है, दिस इज मीन ओनली, एवरेज। 1/टाइम पीरियड एवरेज ओवर द कंप्लीट साइकिल का कितना एरिया बाउंडेड है, क्लोज है। तो 1/t का मतलब टोटल टाइम पीरियड 2t। अब देखो इंटीग्रल पर लिमिट 2 पार्ट्स में ब्रेक होगी। एक बार लिमिट क्या होगी, 0 से t½, और 0 से t½ पर इसका एम्पलीट्यूड कितना है, 3। दिस इज 3 dt। प्लस अगली लिमिट क्या है, t½ से 2t, दिस इज t½ से 2t, और इस समय इसका एम्पलीट्यूड कितना है, 1 वोल्ट, दिस इज 1 dt। नाउ यू कैन इजिली कैलकुलेट। सी स्टूडेंट्स, मुझे लगता है इस लाइन को डायरेक्ट लिख देना ज्यादा बेटर होगा। 1/2t, 3 बाहर गया, स्मॉल t आएगा, हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 3t/2 आएगा। और फिर जब यहां से सॉल्व करोगे तो प्लस 1 है, और 2t − t½ का मतलब, आप बताओ 2t − t½ का मतलब फिर से 3t/2। आई कैन सजेस्ट कितनी वैल्यू आ रही है, 1/2t, 3t/2 प्लस 3t/2 का मतलब 60/2, 2t से 60 का मतलब 3, तो 3/2 का मतलब, मुझे ऐसा लगता है वी एवरेज जो आया होगा वो 1.5 आया होगा। आप लोग सॉल्व कर लेना, 1.5 आ रहा है। वी एवरेज कितना आ गया, 1.5। तो पीएमएमसी के पास जो रीडिंग है वो 1.5 है। अब 1.5 में बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं बोला जाता और एरर निकालनी है, इसका मतलब स्केलिंग फैक्टर, करेक्शन फैक्टर कितना, करेक्शन फैक्टर हम गलत के लिए क्या लेंगे, साइनोसोइडल, और साइनोसोइडल का करेक्शन फैक्टर कितना होता है, 1.11। तो बताओ इस वेवफॉर्म का वीआरएमएस मेजर्ड क्या आएगा? हम मेजर्ड की बात कर रहे हैं तो मेजर्ड गलत आएगा। वीआरएमएस मेजर्ड बराबर 1.11 इंटू वी एवरेज, राइट? तो 1.11 का गुणा, सॉरी स्पेस कम है समझ लेना, 1.11 का गुणा 1.5 में करिए, देखो कितना आ रहा है, 1.1 स्टूडेंट्स, मेरी बातें सभी को क्लियर हो रही हैं? कोई इश्यू तो नहीं है सच? स्क्रीन लैगिंग, वीडियो नॉट क्लियर, ओके, अब तो ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप सो, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है अब, ठीक है। हाँ, मेरा मोबाइल ऑफ हो गया है, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। अब देखो आप, आपके पास वैल्यू आ रही है 1.11, 1.11 इंटू 1.5, ये वैल्यू आएगी 1.665। यू कैन चेक, ये वैल्यू आएगी सॉल्व होने के बाद 1.665, क्योंकि स्टूडेंट्स इसने ये गलत रीडिंग आई है, इस गलत रीडिंग को क्या बोलते हैं, मेजर्ड। और किसके लिए आया ये, साइनोसोडल के लिए, जबकि आपने भेजा क्या था, आपने भेजा था एक ग्राफ जो यहां तक एक रेक्टेंगल है, फिर यहां एक रेक्टेंगल है, तो राइट, एक रेक्टेंगुलर वेवफॉर्म है, आयताकार वेवफॉर्म। इस रेक्टेंगुलर वेवफॉर्म पर हमें अगर बात की जाए कि एक्चुअल में इसका आरएमएस क्या था, तो बताओ क्या इस वेवफॉर्म का ट्रू मान हम लोग निकाल चुके हैं? तो वी आरएमएस ट्रू थोड़ी देर पहले आपने निकाला था, सेकंड नंबर पर इसका आरएमएस एक्चुअल में कितना होना चाहिए, इसका आरएमएस आ रहा था 1.5, सॉरी रूट 3 आ रहा था, और रूट 3 का मतलब 1.732 वोल्ट ये आना चाहिए था इसका आरएमएस, राइट?
तो अगर मैं आपसे एरर पूछूं या परसेंटेज एरर पूछूं, तो परसेंटेज एरर का मतलब मेजर्ड वी आर एम एस मेजर्ड माइनस वी आर एम एस ट्रू अपॉन वी आर एम एस ट्रू इनटू क्या कर दें 100 स्पेस था, मैं समझ लेना। तो स्टूडेंट यहां आपने मेजर्ड की वैल्यू रखी, मेजर्ड कितना आया था 1.665 माइनस ट्रू कितना आया था 1.732 डिवाइडेड बाय ट्रू मान। तो ट्रू वैल्यू कितनी आ रही थी, आनी चाहिए थी कितनी 1.732 इनटू 100। आप सॉल्व कर लेना, माइनस का 3.86 आएगा, माइनस का 3.86, बाकी आप लोग चेक कर लेना एक बार। योर आंसर शुड बी माइनस 3.86%, योर आंसर शुड बी माइनस 3.86%। एक बार रिप्लाई करो, क्या सभी को क्लियर हो रहा है ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स? एक बार रिप्लाई करो जल्दी से। अब क्लियर हो रहा होगा कि हम जो आंसर निकाल रहे हैं एक बार वो मेजर्ड का है, और ट्रू का मतलब क्या है, जो एग्जैक्ट आना चाहिए था। यस आनंद करेक्ट, मुझे लगता है सभी का सही है, यहां तक सभी को क्लियरिटी है, एज सच कोई इशू नहीं है। फाइन, अप टू दिस कोई इशू नहीं है स्टूडेंट्स। अप टू दिस मुझे नहीं लगता कि कोई इशू है। फाइन है सभी यहां तक, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं इस क्वेश्चन में? अब ठीक है, चलो ठीक है, फिर मैं अब कल स्टार्ट करूंगा। राइट, अभी वैसे टाइम तो है अपने पास, बट आज मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग द रेस्ट मोर एंड मोर टाइम। सो टुमारो विल मीट, आज टुडे आई एम नॉट फीलिंग वेल, बट योर क्लास टाइमिंग पर रिक्वायरमेंट है मेरी, तो ठीक है स्टूडेंट्स, बाय बाय टू ऑल। टुमारो विल स्टार्ट विद द सेम टॉपिक, यहीं से मैं नुमेरिकल स्टार्ट करूंगा, एंड गुड नाइट टू ऑल। टुडे आई एम नॉट फीलिंग वेल स्टूडेंट्स, टुमारो आई विल सी व्हाट इज द कंडीशन, एंड आई विल स्टार्ट द क्लास शार्पली फ्रॉम 9। हाँ, जो भी टाइम है आपका, जो भी टाइम सर ने अलॉट किया, आई विल ट्राई। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, आई एम लीविंग द मीटिंग, you all can leave the meeting, good night everyone।